दवा दे दिया गया बेटा, दवा दिया गया। कहाँ पे दिया गया? नोज में। कोई बात नहीं, अब नींद आ जाएगा आपको। अच्छा तो अभी गर्म हो जाएगा, आराम से ऐसे रख लो। हाँ रखो पापा, मम्मा आज निकालना है हमारे को। हाँ इतर पो, इतको कुछ देर के बाद। आप रोई नहीं ना, कितनी आप स्ट्रांग हो, इसका मतलब आपको पता है, थोड़ा भी नहीं रोए आप। सो गाइज, जैसा आपने देखा कि हितिका को एक रूम दे दिया गया है और वो अभी, उसे थोड़ा सा नींद आने में अभी टाइम लगेगी। ऑलमोस्ट मुझे लगता है 15 मिनट्स लग जाएंगे, 15 टू 20 मिनट्स गहरी नींद में। सो इसे एक रूम प्रोवाइड किया है, बेड ब्लैंकेट सब चीज़ दी गई है जैसा मैंने आपको अभी दिखाया। एंड इसके बाद वो लोग फिर प्रोसीजर, आगे के प्रोसीजर में वो लोग उसे ले जाएंगे। बट यहाँ पे मैं एक एक चीज़ में आपको मैं नहीं दिखा सकती हूँ, उसके लिए सॉरी बोलना चाहूँगी, क्योंकि यहाँ पे नॉर्वे में काफ़ी स्ट्रिक है कि आप मीन्स किसी और की फ़ोटो आप नहीं ले सकते हो, वीडियो आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते हो बिना उसके परमिशन के, और साथ ही साथ बिना आप उसके परमिशन के आप फ़ोटो को आप सोशल मीडिया पर आप अपलोड नहीं कर सकते हो। तो इसलिए मैं सिर्फ और सिर्फ मैं बस हितिका अपने फैमिली की अलाउ है कि मैं ले सकती हूँ, बाकी मैं अदर पर्सन की मैं नहीं ले सकती हूँ मैं। एंड आज ही वो, आज का वो दिन है जिसमें फिगर आउट हो जाएगा कि हितिका को मीन्स आगे हम लोग वीट दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं, क्या है। जस्ट मैं प्रे करती हूँ गॉड से कि पॉजिटिव रिजल्ट आए एंड मुझे रिलीफ मिले कि मेरी भी बेटी वीट खा सके, कहीं भी जाए तो उसे उस चीज़ को मीन्स, कितने स्ट्रगल करते हैं एक माँ बाप जब आपके बच्चे को वो चीज़ मीन्स, आपके बच्चे को वो चीज़ खाने के लिए काफ़ी ज़्यादा मीन्स वो मीन्स उन्हें पसंद है वो चीज़ खाना और आप उसे ना दो। सो देखते हैं क्या होता है, जैसा होगा आपको अपडेट्स मैं जल्द ही मैं दूंगी। सो प्लीज़ इस वीडियो के साथ बने रहिएगा। सो जैसा आप देख रहे हैं कि हितिका, उसे नींद आ गई है, क्योंकि मैं वो आपको वीडियो दिखा नहीं पाई, क्योंकि जिस तरह से इंजेक्शन की जो सिरिंज होती है तो ये थोड़ी सी मोटी होती है और उसमें लिक्विड मीन्स जस्ट नॉर्मल ट्रांसपेरेंट लिक्विड दी रहती है, वो उसे नोज़ के अंदर में वो बस सिरिंज मीन्स दे देते विदाउट वो नीडल रहती है। तो उसके बाद क्या होता है कि मीन्स वो एज अ मीन्स 20 मिनट्स के बाद उसे फिर नींद शुरू हो जाती है। फिर वो जब गहरी नींद में चली जाती है तो फिर ये लोग प्रोसेस के जो प्रोसीजर होते हैं फिर उससे वो लोग उस रूम में ले जाते हैं। एंड मुझे टेंशन इस बात की बिल्कुल भी नहीं है कि उसे नीडल डाला गया या फिर जो प्रोसीजर होगा, मुझे उस चीज़ का डर नहीं है। जब वो उस प्रोसीजर के बाद जब वो आती है और जब उसे हल्की हल्की जब होश आने में शुरू हो जाती है ना, तो उसके बाद वो इतना रोती है, इतना वो बॉडी को बिल्कुल इस तरह से मतलब नहीं रहता, बॉडी को वो तोड़ रही है, काफ़ी अकड़ती है और काफ़ी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाती है, जो उस टाइम हमें हैंडल करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है।
तो बस इस चीज़ से मुझे डर लग रहा है कि फिर उसका क्या रिएक्शन रहेगा। हमने डॉक्टर से बात भी किया कि आप ये चीज़ को छोड़ के जो नॉर्मल जो एनेथेशिया या फिर वो चीज़ होता आप वो चीज़ करो, तो बोलती कि नहीं छोटे बच्चों के लिए यही प्रोसीजर है कि उन्हें नोज़ के थ्रू वो दवा दी जाती है सो दैट वो आराम से रिलीफ होके सो जाए और फिर वो उसे आगे के प्रोसीजर के लिए ले जाए। तो हमारी ये प्रोसेस पिछले साल की थी, बट हम लोग इंडिया चले गए थे एंड डॉक्टर ने बोला था कि हम लोग जुलाई में समर वेकेशन के बाद ये प्रोसेस को स्टार्ट करेंगे। मीन्स ये थी 2021 की बात एंड 2022 है। सो उन्होंने हमें जुलाई में बोला था कि आप इसे वेट दो और अगस्त में हम लोग इसे ये प्रोसेस के लिए चेकआउट करेंगे कि उसे ग्लूटन देना है नहीं देना है, ग्लूटन देने के बाद उसके जो इंटेस्टाइन में क्या साइड इफेक्ट दिख रहा है, क्या कुछ खराबी या कुछ विलय में कुछ खराबी मुझे दिख रही है, तो वो सब की प्रोसीजर आज होंगी। और जस्ट प्रे टू गॉड कि सब अच्छा हो। हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू एवरग्रीन मॉमी चैनल। सो गाइस, सबसे पहले मैं अपने सभी सब्सक्राइबर का थैंक्स करना चाहती हूँ कि जो काफ़ी दिनों से मैं वीडियो नहीं बना रही थी और मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब चल रही थी, तो जिन लोगों ने मेरे लिए प्रे किया और जिन लोगों ने मुझसे पूछा, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स मैं सभी सब्सक्राइबर को करना चाहूँगी अपने। एंड काफ़ी सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं और वीडियोस काफ़ी दिनों से काफ़ी महीनों से नहीं आ रही है, इसकी कुछ रीज़न है। एंड ये सभी चीज़ें मैं यहाँ पे मैं नहीं बोलना चाहूँगी क्योंकि ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए मैंने बस ये चैनल बनाया है। सो ये और भी मीन्स क्या प्रॉब्लम मेरे साथ अभी हो रही है तो उसकी वीडियो मैं अपने ब्लॉग्स चैनल में मैं बना रही हूँ, उसकी नाम मैं अपने मीन्स अपने चैनल के नाम में यहाँ पे मैं दे रही हूँ। आप जो लोग इंटरेस्टेड है मेरे ब्लॉग्स में वो लोग जाके वहाँ पे देख सकते हैं, मैं वहाँ पे जल्दी वीडियो बना के अपने डालूंगी। सो यहाँ तक आपने हितिका की वीडियो देखा और उसके बाद हमें अपॉइंटमेंट, ये प्रोसेस हुआ था अगस्त में और हमें अपॉइंटमेंट वो भी टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट हमें मिला था अक्टूबर में। सो अक्टूबर में हमें अपॉइंटमेंट मिला तो हमने बस डॉक्टर से ये चीज़ बात किया बट रिजल्ट में सीलिएक डिजीज़ नहीं है। हमने यहाँ पे प्राइवेट डॉक्टर से भी कंसल्ट किया, सो उसके ब्लड टेस्ट में भी आ चुका था कि इसे सीलिएक डिजीज़ नहीं है। बट फिर हमारा ये कंसर्न है कि अगर उसे सीलिएक डिजीज़ नहीं है, क्योंकि पहले हितिका जो, क्योंकि आपको पता है कि सीलिएक डिजीज़ या वीट एलर्जी में बच्चे को या तो कॉन्स्टिपेशन या तो लूज मोशन या फिर वेट हाइट ये सब बढ़ना, सब चीज़ बंद हो जाता है, ये सब इसके मेन सिम्टम्स होते हैं। तो हितिका की प्रॉब्लम क्या हो गई थी, ना उसकी वेट बढ़ रही थी ना उसकी हाइट बढ़ रही थी। जब मैं ग्लूटेन फ्री डाइट दे रही थी तो उसकी वेट हाइट दोनों बढ़ रही थी और जैसे ही मैंने ये सब स्टार्ट किया फिर हमने देखा कि एक महीने के बाद तो उसकी वेट हाइट बिल्कुल ही नहीं बढ़ रही थी, मीन्स जैसी थी वैसी वहीं पे ही स्टॉप हो गई थी। और एक चीज़ मैंने और चीज़ क्या नोटिस किया कि पहले जब वो पॉटी किया करती थी तो वो मीन्स सॉलिड रहती थी, सही रहती थी, बट मैंने जब से उसे वीट स्टार्ट किया तो मैंने एक चीज़ क्या नोटिस किया उसमें कि जो पॉटी की जो सीट होती है उस पर उसकी पॉटी स्टिक होनी शुरू हो गई, मीन्स चिपकना शुरू हो गया। सो मेरे को लगा कि चलो ऑलमोस्ट होता है, बट ये चीज़ मैंने डिफरेंस ये भी चीज़ मैंने नोटिस किया कि जो पहले वो ग्लूटेन खाने के बाद 4 बार 5 बार वो पॉटी जाती थी तो वो ऐसा नहीं था, बस वो एक ही टाइम जाती थी, किसी दिन नहीं भी जाती थी, ये सब नॉर्मल चल रहा था। बट वेट हाइट और मैंने एक जो स्टिकनेस एक पॉटी में देखा वो चीज़ मुझे मैंने दो चीज़ मैंने ये चीज़ नोटिस किया। तो सेम चीज़ जब हमारे अपॉइंटमेंट आई टेलीफोन पे आई, हम लोग आमना सामना डॉक्टर से जाके बात नहीं किए, तो हमने वो सब चीज़ें मीन्स मेरी तो तबीयत ख़राब थी, मेरे हस्बैंड ने बात किया, सो उन्होंने ये सब चीज़ बोला कि इसकी वेट हाइट नहीं बढ़ रही है। तो डॉक्टर ने बोला कि हो सकता है कि किसी किसी बच्चे को ग्लूटेन फ्री ही डाइट सूट करता है तो आप वो भी कंटिन्यू कर सकते हो, बट एक बात बताओ यार, आज तो ठीक है मैं फॉरेन में, मैं नॉर्वे में मैं रह रही हूँ तो यहाँ पे काफ़ी फैसिलिटी है, स्कूल में किंडरगार्टन में यहाँ पे बच्चे लोग लैक्टोज का ग्लूटेन का ये सब चीज़ का बहुत ध्यान रखते हैं। अगर यही चीज़ मैं इंडिया में रहती तो मैं समझ सकती हूँ, मैं वहाँ पे रह चुकी हूँ इंडिया में और मुझे पता है कि कितनी ज़्यादा मुश्किल होती है, और जो मामा भी सफ़र कर रही होंगी वो वही जानती होंगी कि कितनी मुश्किल होती है स्कूल में घर में फैमिली पार्टी में या कहीं भी जाओ तो कितनी मुश्किल होती है। तो बस मैंने ये चीज़, अब आप सभी जानते हो कि जो एक माँ एक एक क्वेश्चन एक एक माइंड में जो आएगा वो डॉक्टर से पूछेंगी, वो चीज़ कहीं ना कहीं हस्बैंड लोग में लैक हो जाती है, वो बस 3-4 चीज़ ही पूछ के
रख देते हैं। तो फिर मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि एक और अपॉइंटमेंट लेते हैं और फेस टू फेस का लेंगे हम लोग, जो वहाँ पे डॉक्टर से मैं जाके मैं खुद से मैं बात कर सकूँ। मैं हाफ रही हूँ क्योंकि मेरी तबीयत अभी भी सही नहीं है। एंड बस एक चीज़ डॉक्टर ने ये चीज़ बताया कि हम लोग एक स्टूल टेस्ट भी करेंगे और स्टूल टेस्ट के थ्रू भी देखेंगे कि कुछ न्यूट्रिएंट्स ऐसी होती है जो स्टूल के थ्रू निकल जाती है और बच्चे की बॉडी में नहीं लगती है। मेरे को वही डाउट था कि हितिका ग्लूटेन तो फूड खा रही है बट उसके बॉडी में लग क्यों नहीं रही है, उसकी वेट हाइट अचानक से क्यों स्टॉप हो गए। तो सेम चीज़ डॉक्टर ने बोला कि आप हो सकता है कि वो जो खा रही है जो भी न्यूट्रिएंट्स उसे मिल रहा है वो पॉटी के थ्रू निकल जा रही है, उसकी बॉडी में नहीं लग रही है। तो एक टेस्ट हम लोग वो भी करके देखेंगे, बट फिलहाल मेरी तबीयत इतनी ख़राब है वो भी चीज़ पेंडिंग है और मुझे बस वो लास्ट चीज़ कराना है। और वैसे ही मैंने हितिका को एक महीने से मैंने फिर से ग्लूटेन फ्री डाइट पे ही मैंने रखा है कि लेट्स सी क्या आगे होता है। और जब भी हमें अपॉइंटमेंट मिल जाएगी तो मैं डॉक्टर के पास जाके मैं बात करूँगी कि अगर ग्लूटेन फूड अगर देते हैं तो हमें कितने दिन तक वेट करना होगा सो दैट उसकी हाइट एंड वेट बढ़े, जिस तरह से सेम चीज़ हम लोग ग्लूटेन फ्री डाइट हम लोग स्टार्ट करते हैं तो हम लोग एटलीस्ट 6 मंथ हमें वेट करनी होती है सो दैट उसके बाद ही वो वेट और हाइट की मिस बच्चे इनकी हाइट और वेट इंक्रीज होने लग जाती है। तो सेम चीज़ क्या हमें जब हम लोग इतने मीन्स ऑलमोस्ट मैंने 2 साल या 3 साल के बाद हितिका के मैंने ग्लूटेन स्टार्ट किया है तो मैं बहुत सारा चीज़ मैं माइंड में सोचती हूँ कि 1 महीने में क्या मैं एक्सपेक्ट कर सकती हूँ कि इसकी हाइट वेट बढ़े, 2 महीने में कर सकती हूँ। तो वही चीज़ मुझे डॉक्टर से ओपनली बात करना है कि ग्लूटेन भी अगर स्टार्ट करते उसे सीलिएक डिजीज उसके रिपोर्ट में भी नहीं आया है, प्राइवेट क्लिनिक में भी गए उसके ब्लड टेस्ट पे भी नहीं आया है, उसे सीलिएक डिजीज नहीं है क्योंकि उसकी बायोप्सी से पता चला, जैसे आप लोगों ने देखा कि उसे बेहोश करके सब प्रोसीजर किया गया तो उसमें उसके ग्लूटेन 1 महीना मैंने खिलाया था उसे और 1 महीना खिलाने के बाद भी उसके स्मॉल इंटेस्टाइन में कोई गड़बड़ी नहीं, कोई वैसी कुछ लाइनिंग नहीं है, कोई खराबी नहीं दिखी उन्हें क्योंकि बायोप्सी से एक लिक्विड चीज़ निकाली जाती है जिसकी टेस्टिंग होती है तो उसमें कुछ वैसा चीज़ नहीं आया, उसे सीलिएक डिजीज नहीं डिक्लेयर किया गया है। तो बस मेरी यही क्वेरी लास्ट रहेगी डॉक्टर से कि कितने दिन तक अगर मैं कंटिन्यूस में अगर मैं ग्लूटेन फूड अगर हितिका को देती हूँ तो मुझे वेट करनी होगी। तो बस यही चीज़ प्रोसेस थी और मैंने फिलहाल फिर से स्टॉप कर दिया उसे ग्लूटेन देना, ग्लूटेन फ्री डाइट पे ही वो है अभी, प्रॉब्लम बहुत होती है और लेट्स सी बस ये मेरे को पॉजिटिव रिजल्ट मिला कि उसे सीलिएक डिजीज नहीं है बट स्टिल क्यों प्रॉब्लम आ रही है, क्यों हाइट वेट रुक गई है वो तो मैं डॉक्टर के पास ही मैं जाके मुझे पता चलेगा क्या रीज़न है। कुछ कुछ चीज़ ऐसे भी हो जाते हैं जो डॉक्टर के पास भी आंसर नहीं होते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा आपको बोलेंगे अगर आपको डाउट लग रहा है ये लग रहा है वो लग रहा है तो आप ग्लूटेन फ्री पे ही रखो और इसकी ना ही कोई ट्रीटमेंट है जो हम लोग आगे प्रोसीजर या फिर मेडिसिन से ठीक कर सकते हैं। सो फिलहाल ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन देनी थी आप लोगों से और जो भी क्वेरी कुछ भी ऐसा लगे सो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा और काफ़ी मोम्स की क्वेरी आ रही है कि मैम रेसिपी शेयर करो। मैं अभी भी मैं वीडियो अपने बेडरूम में ही बना रही हूँ, मेरा बिल्कुल भी तबीयत नहीं, मैं खड़े नहीं हो पा रही हूँ। वही चीज़ तो मैं आप लोगों को अपने ब्लॉग्स में दिखाना चाहती हूँ कि कैसे किस तरह से हम लोग मैनेज कर रहे हैं विदाउट फैमिली यहाँ एक फॉरेन कंट्री में और किस तरह से मेरे दिन बीती है। सो फिलहाल आज की वीडियो यहीं पे मैं एंड करती हूँ, फिर मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो पे और भी काफ़ी अच्छी अच्छी वीडियो आने वाली है सो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड। और चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा, नीचे एक रेड कलर की बटन होगी सब्सक्राइब की, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर एंड